गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है और धूप भी नहीं निकली। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एडवांस में बोल रही हूँ। हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली आने वाली है। जैसे जैसे फेस्टिवल आते जाते हैं मन में एक अजीब सी खुशी जी होने लगती है। तो फेस्टिवल आ रहे हैं। आज क्या तारीख है? आज है 1 तारीख है आज, और 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 है, 7। 5 दिन बचे हैं सिर्फ दिवाली आने के लिए, और 6ठे दिन तो दिवाली है ही। तो मुझे भी, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। मुझे बताया, मैंने बहुत लेट क्लीनिंग करना चालू किया है। मुझे इससे पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, तो इसी वजह से हो नहीं पाई। और मैं पी रही हूँ अभी 1 गिलास गर्म पानी, जो मैं सुबह उठ के पीती ही हूँ। मैं इसमें पहले तो नींबू डाल के पीती थी, लेकिन अब सर्दियाँ आती जा रही हैं और मेरा गला तो वैसे भी ख़राब ही रहता है सर्दियों में, तो इसी वजह से मैं नहीं पी रही। और एक बात ज़रूर बताना, फेस्टिवल आने के किस किस को बहुत खुशी होती है? मुझे तो बहुत खुशी होती है। फेस्टिवल के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा घर, कि हमें अपना घर अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। बिल्कुल क्लीनिंग बिल्कुल नंबर 1 होनी चाहिए हर किसी के लिए। और सेकंड है डेकोरेशन। जब आपका घर क्लीन हो जाए तो उसे थोड़ा बहुत, जैसा जैसा आपका, मतलब जितना जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और थर्ड जो सबसे एंड का होता है, वो होता है अपना खुद का, ये ड्रेस चॉइस करना कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज मैं करूँगी क्लीनिंग। और आज है मेरे बाबा जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा जी। और वो शाम को है बाबा जी का बर्थडे। हम छोटा मोटा जैसा भी सेलिब्रेट करेंगे, वो हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ 1 या 2 रूम को मैं क्लीन कर लेती हूँ। अपने रूम को मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि अपने रूम में थोड़ा सा चेंज लाना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया यही इधर की तरफ बेड, मैं सोच रही हूँ थोड़ा इन्हें चेंज करूँ, इधर उधर करूँ। तो अकेले मुझसे नहीं होगा, तो मैं सागर के आने का वेट करूँगी। सागर 3 तारीख को आ जाएगा, 3 तारीख की रात को। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से मैं काम पे लगती हूँ। और अभी बजने हैं सुबह के 8:30 बज गए हैं। मैं 7 बजे सो के उठी थी। तो चलते हैं क्लीनिंग करने। और ये याद करके ज़रूर बताना दिवाली की किस किस को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और कौन कौन अपने घर को कैसे कैसे डेकोरेट कर रहा है। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। क्लीनिंग कर लूँ। Thank you.
हेलो गाइस, मेरा तो जुकाम से बुरा हाल हो गया क्योंकि मुझे धूल से इन्फेक्शन हो जाता है, तो अब मुझे छींक पे छींक आ जा रही है और गले में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुजली सी हो रही है अंदर। यही होता है जब भी दिवाली की सफाई मैं करती हूँ तो यही मेरा हाल होता है। मेरे बाल, मुझे इनमें ऑयल लगाना चाहिए था लेकिन यार मैंने ऑयल नहीं लगाया और ये बहुत ज़्यादा रूखे रूखे हो जाएंगे। अब मुझे भूख लग रही है, पहले मैं कुछ खा लूँ। बस अब मुझे क्या करना है, मैंने ज़्यादातर क्लीनिंग जो है मतलब ऊपर की पंखे वंखे सब मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब मुझे चीज़ों को साफ़ कर करके उनकी जगह पे अरेंज करना है बस। और आज मेरी स्किन कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा डल डल सी हो रही है ना। मम्मी खाना बन गया? भूख लग रही है बहुत तेज। सबसे ज़्यादा हार्ड काम होगा पर्दे धोने का क्योंकि देखा कितने सारे हैं। सफाई तो कर दो फिर पर्दे धोना सबसे ज़्यादा हार्ड काम लगेगा। Thank you.
धोएंगे, शाम के टाइम धोएंगे, मेरा इतना मन नहीं करता। ये दीवान में ना अकेले ने खिसका दिया। जानदार नहीं तो करेगी। ये फालतू काम करने के लिए, मतलब मैं ना अकेली नहीं दीवान खिसका दिया, खाते पीते घर की लौड़ियाँ। ये मेज है, ये जो है इसके ये जो पत्ते से दे रहे मैंने धोने के लिए रखे हैं, जब ये सूख जाएंगे तब उसके बाद मैंने लगा के इस मेज को इस पे रख दूंगी। और उधर मैं कैमरा कर नहीं सकती क्योंकि उधर पापा बैठे और पापा कैमरे को देखते हुए जाते इतने, चलो आवाज़ तो आएगी बोलो तो सही पापा जब भी इनकी तरह को कैमरा कर दोगे तब नो हो जाएंगे बिल्कुल चुप, इतने सीरियस हो जाएंगे जैसे बताना मैं ना क्या करती हूँ तो इसलिए अभी कंफर्टेबल नहीं है। एक टाइम आएगा कि तुम खुद कहते फिरोगे कैमरे का कि हाय गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सुबह से तो मैंने आप लोगों से एक बार भी नहीं पूछा कैसे हो, क्योंकि मैं सुबह से काम करने में लगी थी 8:30 बजे, और 8:30 बजे की लगी लगी मैं निपटी हूँ 4:30 बजे, और अब हो रहा है 5:30 का टाइम हो रहा है। अब इस टाइम मैं अभी नहा के आई हूँ, जस्ट अभी नहा के ही आई हूँ। मैं सोच रही थी मुझे अपने हेयर वॉश कर लूँ, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी इतनी अच्छी नहीं चल रही, और अगर मैं हेयर वॉश कर लेती तो मुझे लगा कहीं तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए। और मैं ना मैंने क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि और कमरों के भी पर्दे उतरेंगे, मैंने फिर ये सारे पर्दे धो दिए। अभी मैं इन्हें बस अभी तार के ही लेके आई हूँ ये सब कपड़े। पर्दे धोने में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख जाती हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इस टाइम मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। और अभी मुझे जाना है अपने बाबा जी के घर बोल रही हूँ, अभी मुझे जाना है अपने ताऊ जी के घर, हमारे साइड में ही है, और वहाँ पे बाबा जी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो बस मैं भी वहीं जाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ एक कप चाय बना लूँ पहले अपने लिए, क्योंकि सुबह से लगे लगे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मतलब मैं 8:30 बजे लगी थी और कितना ज़्यादा टाइम हो गया ना, और सिर्फ 2 कमरे ही क्लीन हो पाए हैं जो ठीक तरीके से बिल्कुल क्लीन हुए हैं। और मैं जितना आप लोगों को दिखा सकती थी मैंने शूट किया। एक बार तो ऐसा होता हुआ था कि छोड़ के सो जाऊँ मैं सब कुछ, क्योंकि डेली क्लीनिंग में वो थकान नहीं होती जो डीप क्लीनिंग में होती है। और मैं बनाऊँगी अपने लिए फटाफट एक कप चाय। तो यार एक बात थी जो मैं कहने वाली थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ही पता नहीं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है या आप कुछ देखना चाहते हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो फटाफट से मैं इनकी तय बनाती हूँ, क्योंकि मेरा अभी टांगने का तो इन्हें बिल्कुल भी मन नहीं है। सुबह को देखूंगी, अब तो इस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी अंधेरा हो गया तो इतना कोई बाहर रोशनी जाएगी नहीं, जो बाहर वाले रूम है उसकी जब लाइट जलती है तो बाहर से दिख जाता है, लेकिन जो पापा वाला रूम है ये साइड वाला जो मैंने क्लीन करा था वो पीछे की तरफ से दिखता है। तो बेडरूम है उसमें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पीछे कोई रहता ही नहीं है हमारे, वो सिर्फ खाली पड़ा है, वहाँ तो सिर्फ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब मैं बना लूँ चाय अपने लिए और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वहाँ पे जाने के लिए भी लेट हो रहा है, तो मैं सोचूँ पहले चली जाऊँ, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो चलो मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, मैं फिर वहीं पे जा रही हूँ कि भाभी का भी कॉल आ गया, वो भी बुला रही हैं वहाँ पे। तो मिलती हूँ आकर, आप लोगों को अपने साथ लेके जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगा लगा है लगा रहा है ना,
आगे पीछे भी है जो को बने हैं लेकिन सब्जी भी लगाए खड़े हैं इसका बाल चाटे हैं ना इसे से कई बार हेलो बोल दिया ना आप लोगों को, तो मैं अभी अपने बाबा जी के बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं अभी आई हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया लेकिन हाँ केक काटते हुए मैंने आप लोगों को ज़रूर दिखाया। और वैसे एक बात बोलूँ, एन बाई वे के लिप क्रियॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। ये मैंने जब मैं गई थी मैंने ये तब यूज़ किया था और देखिए अभी तक ये ऐसे ही है। मैं बहुत ज़्यादा लाइट शेड लगाती हूँ डेली में, तो ये डार्क ऑरेंज नहीं था, ये थोड़ा ऑरेंज की शेड थी हल्की सी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और हमने बाबा जी का केक कट किया, सब लोगों ने डांस भी किया। और वो जो दो छोटे छोटे बच्चे थी, एक को तो आप जानते ही हो आराध्या, और सेकंड थी कृतिका, वो दोनों बहनें हैं मेरे ताऊ जी का लड़की मैं उनकी बुआ जी हूँ, मतलब ताऊ जी के लड़के की लड़कियां हैं वे दोनों। और बस यही है। और फिर से हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को एडवांस में ही, क्योंकि दिवाली आने वाली है इसी वजह से। और मैं बनाऊंगी अब चाय, क्योंकि जब मैं शाम जा रही थी मैं एक मिनट आज मैंने अपने कमरे में एक बल्ब लगाया है लेकिन मुझे वो उतारना पड़ेगा, पापा बोल रहे हैं उसे उतार लो। तो मैं अभी वहाँ से आई है और क्या बोल रही थी मैं, मतलब बातें वो कुछ बोल रही थी ना, हाँ मैं ये बोल रही थी कि जब मैं शाम जा रही थी तब भी मैं ये बोल रही थी कि मैं चाय पी लूँ और फिर आप लोगों से चाय पीऊँगी। जब से मुझे चाय ही नहीं मिली, आज मैं सुबह से एक भी बार चाय नहीं मिली, अदरक भी नहीं था तो पापा भी शाम लेके आए थे और मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं अब अपने क्या सब लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। और बज रहे हैं रात के 9, बिग बॉस आने वाला है, आ रहा है बिग बॉस, तो मम्मी पापा भी बिग बॉस देख रहे हैं और मम्मी चाय बना लूं और सब लोगों के लिए मैं चाय बना लेती हूं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो एक चीज़ और देखो, जब मैं दोपहर काम कर रही थी जब फेस कितना ज़्यादा डल धूल की वजह से बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो रहा था, और अब थोड़ा ठीक सा हो गया, जब तो बहुत ज़्यादा टाइट सा लग रहा था मुझे, अब ठीक है। और शायद नेक्स्ट व्लॉग में सागर आ गया होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सागर भी आ जाएगा, और सागर के बिना तो वैसे भी घर बहुत ज़्यादा सोना होता है, तो इसी वजह से सागर भी आ जाएगा, ये भी बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट व्लॉग में सागर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा इतना तो, वो क्योंकि वो देख लेना 3 तारीख की, पहले तो शाम को आने को बोला था लेकिन वो सुबह ही आ जाएगा। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्या कर रही हो, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।